नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के मुलताई में देर रात तक होता रहा विसर्जन, बुकाखेड़ी डैम पर प्रतिमाओं की भीड़ उमड़ी। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के पवित्र नगरी मुलताई में शारदेय नवरात्रि के समापन के बाद देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर और शुरू हो गया है। 10 दिनों तक माता की भक्ति करने के बाद श्रद्धालु भक्तों द्वारा श्रद्धा भक्ति भाव और दुखी मन से माता रानी को विदा किया। नगर में लगभग 5 दिनों तक मूर्तियों के विसर्जन होने की परंपरा बन गई है। अधिकांश बड़े देवी मंडल दशहरा पर्व के बाद ही देवी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए झूमते नाचते गाते दुर्गा प्रतिमा के साथ नगर का भ्रमण करने के बाद देवी प्रतिमा विसर्जन के लिए निकल पड़े। मुलताई नगर पालिका द्वारा बुकाखेड़ी डैम पर प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई है, जहां पर संपूर्ण क्षेत्र की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। नगर पालिका द्वारा डैम पर गोताखोर तथा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी क्षण किसी भी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। भारी मूर्तियों को उठाने के लिए क्रेन का भी उपयोग किया जा रहा है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस तरह 9 दिनों तक माता का पूजन करने के बाद श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी देवी प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर बुकाखेड़ी में भारी मात्रा में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। उसी के साथ साथ श्रद्धालुओं में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, ग्रामीण क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। देर रात तक दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता रहा। सिटी रिपोर्टर अविनाश तायवाड़े।